शिमोगा जिला के निहाल सिंह वाला पुलिस को बीती रात उस समय भारी सफलता मिली जब पुलिस ने मुखबिर की बताई हुई जगह पर छापेमारी कर 1150 पेटी अलग अलग मार्क की शराब जिला के गांव मानुके से बरामद की। पुलिस ने एक ट्रक, एक कार, एक जीप और एक बुलेरो गाड़ी को भी कब्जे में लिया है। वहीं आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यह सारी शराब हरियाणा के करनाल से लाकर यहां पर अलग अलग स्थानों पर बेची जाती थी। वहीं जांच अधिकारी बलराज सिंह ने बताया कि निहाल सिंह वाला पुलिस की ओर से जिला मोगा के गांव मानुके में नाका लगाया हुआ था, जहां से मुखबिर ने इत्तला दी थी कि अगर मनके गांव में अभी छापेमारी की जाए तो पुलिस को भारी मात्रा में देसी शराब जो अभी ट्रक से हरियाणा से लाई है वो जब्त किया जा सकता है। गश्त करते हुए पिंड माणूके घोलिया खुरद में जा रहे थे। तो जो पिंड माणूके राउके रोड से मैं पुजया तो उत्ते एक मुकबर खास ने साडी गड्डी रोक के तो मैनू पासे करके इतलाह दिती कि जसकारण सिंह जस्सी और गुरचरण सिंह उर्फ जोधा पुत्रान सोहन सिंह पुत्र तारा सिंह जट वासी पत्ती भारा माणूके जो बाहरों हरियाणा तो जी है ठेका देसी शराब लिया के थोक रेट से इतने परचून रोड में महंगे भा बेचते हैं। अज भी कहता भी एक ट्रक के उपर भारी मात्रा च हरियाणे की बनी शराब लेके आया कि हुण वह छोटिया गड्डियों पलटी करके इलाके अगे मतलब वेचण की ताक विच है। जे तुसीं हुण इसको रेड करो तो वह रंगे हत्थी काबू आ सकती है। तो मैं रुका लिख के मुकदमा दर्ज करने लई भेजा हुंदा कॉन्सटेबल अते मैं पुलिस पार्टी के समेत उत्ते रेड किया तो जिहड़े दोषी सी हनेरे का फायदा खा के वह भज गए क्योंकि घर के तीन पासे गली लगती है। तो फिर असी मतलब उत्थे गड्डिया एक ट्रक खड़ा सी जिस दे विचों शराब आनलोड हो रही सी। एक सफारी गड्डी खड़ी सी उहदे विच कोई शराब पई सी, एक स्कारपियो गड्डी सी उहदे विच पई सी, एक जीप सी उहदे विच पई सी। ते इह मुड़ के उह सारी मतलब ही माल नूं कब्जे विच लिया। जिहड़ी स्कारपियो गड्डी है उहदे विच 50 पेटियां हीर सौंफी हरियाणा मेड शराब सी ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਪੇਟੀਆਂ ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਪੇਟੀਆਂ 78 ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 892 ਪੇਟੀਆਂ ਹੀਰ ਸੌਂਫੀ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡ ਅਤੇ 110 ਪੇਟੀਆਂ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਡ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪਰ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਟੋਟਲ 1150 ਪੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਰਾ? ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਧੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ? 61-14-27 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 217 ਮਿਤੀ 25-11-18 ਦਰਜ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਕੀ ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਫਾਰ ਸੇਲ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਓਨਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਠੇਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈ ਜੀ।